हेलो चिराग भाई, हेलो 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 चिराग भाई, चिराग भाई, अरे चिराग भाई, बिग फैन ब्रो, बिग फैन। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो जैसा कि आपको बताया, 3 दिन पहले मैंने डायमंड 5 से रैंक पुश करना स्टार्ट किया था। फिलहाल के लिए एस मैंने लगा दी है। मैचेस की अगर मैं बात करूं तो यार सिर्फ अपने को 34 मैचेस लगे। अगर अभी सीजन की स्टार्टिंग होती तो सिर्फ 34 मैचेस में ही अपना कॉन्कर लग गया होता, लेकिन अभी सीजन का वीक 3 चल रहा है और अभी आई गेस अपने को एस के ऊपर 800-900 पॉइंट और लगाने पड़ेंगे कॉन्कर लगाने के लिए। बाकी आपका रैंक एंड टीयर अभी क्या चल रहा है कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो यार मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो फिलहाल के लिए ये वाले कंपाउंड में होल्ड कर रहा था, उतने में अभी सामने वाली साइड पे एक और बंदा गाड़ी लेके रुक गया था। अब यहाँ पे एक मैं नेट ट्राई करता हूँ। नेट से मेरे को लगा बंदे को मे भी थोड़ा बहुत डैमेज पड़ गया होगा, लेकिन ऐसे यार ओपन में जाना मेरे को सही नहीं लगा। इसके बाद मेरे को इस बंदे का फुट स्टेप कंपाउंड के अंदर वाली साइड से आता है। तो यार ये वाले गेम में अपने साथ कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ें होने वाली है, इंट्रो में आपने देख ही लिया होगा। तो आज वाले गेम प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करना, मेरी गारंटी आपको काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। फिलहाल के लिए जो इसके बाद वाला जोन था यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो मैं सोचा मैं अभी जोन की साइड को निकल लेता हूँ। अब यहाँ पे सामने वाली साइड से मेरे को उस कारल का गन साउंड आता है, तो मैं सोचा डायरेक्ट अभी ये वाले बंदे पे मैं रश कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला शायद कभी यहाँ पे जोन के अंदर भी था। लेकिन यहाँ पे देखना भी क्या सीन होता है। हेलो चिराग भाई, हेलो 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 चिराग भाई, चिराग भाई, अरे चिराग भाई, बिग फैन ब्रो, बिग फैन भाई, मारना मत भाई भाई, मैं कब से आपका ही वेट कर रहा था भाई। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे बंदा है भाई, यहाँ पे बंदा है। अरे भाई बहुत बहुत वीडियो देख रहा हूँ भाई आपकी, मैं अभी देख के आया जस्ट। हेलो हेलो, अब ये वाले बंदे को यहाँ पे मैं मारने वाला था, लेकिन ये वाला बंदा तो अभी ऑल पे बोलना स्टार्ट कर देता है। पहले मेरे को ये वाले बंदे पे थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन मेरे को लगा मे भी इस बंदे ने अपने को अपने आउटफिट से पहचान लिया हो। भाई निकल जाओ, बाद में मिलते अगर जिंदा रहा तो। ड्यूटी काजू नाम है भाई, क्या पे बंदा है सामने। ओके ब्रो, ओके, थैंक यू ब्रो। भाई एक बार सिर्फ फोटो निकाल ले तो, इधर मूव कर दो। अब यहाँ पे दूर से भी कोई बंदा अपने ऊपर शॉट ले रहा था, थोड़ी बहुत ये वाले बंदे से मैं बात करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे स्मोक वगैरह करके मैं निकल जाता हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी देर तक मैं ऐसे बग्गी घुमा के इसके बाद वाला जोन क्लोजिंग होने का वेट कर रहा था, क्योंकि यार ये वाला जोन यहाँ पे एकदम ओपन में रखा था। जोन के अंदर फिलहाल के लिए कोई भी कंपाउंड था नहीं। अब यहाँ पे सामने वाली साइड पे दो बंदों की फाइट होती है। अब यहाँ पे दूसरे वाले बंदे को मैं सोच रहा था फिनिश करने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे बग्गी से उतर के इस बंदे को मैं मारने वाला था, लेकिन तभी इस बंदे की वॉल पे आवाज़ आती है मारना मत, और मैं समझ जाता हूँ ये सेम वही शैक वाला बंदा है। अब ये यहाँ पे सेम वही मीटअप वाला बंदा था। एक बार यहाँ पे मैं जंप करके चेक कर रहा था कि यार कहीं ये बंदा अपने को गलती से मार ना दे। अब यहाँ पे ये वाला बंदा क्या करता है, बग्गी लेके नीचे वाली पेड़ के साइड जाता है, उतने में सामने वाली साइड में कोई एक और बग्गी आती हुई स्पॉट होती है। अब ये वाले बंदे की बग्गी यहाँ पे काफ़ी डैमेज मैंने कर दी थी, उतने में क्या होता है जो मीटअप वाला बंदा था नीचे वाले पेड़ पे गया था, ये बंदा भी अपनी साइड को नीचे से मॉली और नेड करना स्टार्ट कर देता है। अब मेरे को लगा बंदा मे भी अपने से फाइट लेना चाह रहा था, यहाँ पे मैं सोचा मैं भी एक नेड करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उतने में ये वाला बंदा यहाँ से बग्गी लेके निकल जाता है। अब यहाँ पे कैसी नहीं होता, अपने लेफ्ट साइड में एक और बग्गी वाला बंदा आके रुक जाता है। फिलहाल अपने को यहाँ पे जोन में भी निकलना था, लेकिन इसके बाद वाला जोन अभी वापस यही साइड पे बन जाता है, तो यहाँ पे वापस मैं सोचा ये बग्गी वाले बंदे से फाइट लेने का ट्राई करते हैं। अब यार ये बग्गी वाला बंदा सेम वही मीटअप वाला बंदा था, लेकिन ये चीज़ मेरे को यहाँ पे पता नहीं थी।
अब यहाँ पे पहले मेरे को लगा कि यार पता नहीं ये वाला बंदा क्या कर रहा है, लेकिन जब इसका मैं नाम देखता हूँ तब मेरे को पता चलता है सेम ये वही मीटअप वाला बंदा था। तो क्यूटी काजू भाई को एक बड़ा वाला शॉर्ट आउट, ये भाई ने काफी खतरनाक सा नाम रखा है गेम में। फिलहाल के लिए यहाँ पे अपने को छोड़ के सिर्फ दो बंदे और अलाइव थे। अब जैसे ही इस बंदे को मैं मारना स्टार्ट करता हूँ, ये वाला बंदा भी सामने से जंप करना स्टार्ट कर देता है। अब यार यहाँ पे सीन ऐसा है कि यार अपने मेन अकाउंट से तो मैं खेल नहीं रहा हूँ, तो ये वाले बंदे मेरे को थोड़ा सा डाउट भी हुआ था कि यार ये वाले बंदा मेरे को जानता भी है या नहीं। तो सबसे पहले इस बंदे से यहाँ पे मैं ये पूछता हूँ कि भाई आप मेरे को जानते भी हो या नहीं, तो देखना भी ये वाला बंदा यहाँ पे क्या बोलता है। भाई नहीं जानता लेकिन आप यूट्यूबर हो मुझे पता अब है। ये भाई यहाँ पे बोलता है भाई नहीं जानता लेकिन आप यूट्यूबर हो मेरे को पता है। पर चैनल का नाम क्या है भाई बोलो ना प्लीज। ओ भाई चिराग भाई मैं अपना भाई देखता हूँ भाई आपका वीडियो देखता हूँ। दूसरे अकाउंट से भाई दूसरे अकाउंट से खेल रहे हो ना। तो ये भाई भी अपना सब्सक्राइबर था और भाई को अपने साथ पैन फाइट करनी थी, तो मैंने बोला ठीक है भाई अभी पैन फाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सामने वाले बंदे ने भी अपने को एकदम 1 HP कर दिया था, लेकिन लकीली लास्ट शॉट अपना लग गया। बाकी यार ये वाले गेम में अपने को 29 का प्लस मिल गया था। तो भी यार फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम पे। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो मैं सोचा था डायरेक्ट अभी किस जोन के सेंटर में कोई कंपाउंड जाके होल्ड करता हूँ। अब यहाँ पे राइट साइड वाले कंपाउंड में कोई बंदा पहले से फायर कर रहा था, तो ये जगह से मेरे को जाना सेफ नहीं लगा, तो यहाँ पे वापस मैं थोड़ा लेफ्ट साइड से आके अभी जोन के अंदर आने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे ये वाला कंपाउंड जोन के अंदर था, लेकिन यार यहाँ पे भी पहले से एक बंदा था, तो मैंने सोचा अभी सामने वाली साइड पे और भी कंपाउंड है जोन के अंदर, वहाँ पे चेक करके आता हूँ। लेकिन यार ये वाले कंपाउंड्स पे भी मेरे को पहले से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ दिख जाती है। फिलहाल के लिए ये वाले पत्थर पे आके मैं रुक जाता हूँ, तभी लेफ्ट साइड में जो कंपाउंड था वहाँ पे भी एक मेरे को बग्गी दिख जाती है। और अभी सामने साइड पे ड्रॉप के पास एक और मेरे को बग्गी स्पॉट होती है, लेकिन यार ये वाले बंदे का पहले से मेरे ऊपर ही था। अब ये वाला बंदा यहाँ पे सामने आपके रुकता है, बंदा मेरे को पता था अपनी बग्गी को डैमेज देगा, वहाँ निकलने का ट्राई तो करता है लेकिन फिर भी बंदा अपनी बग्गी का टायर फोड़ ही देता है। अब यार यहाँ पे ये बग्गी लेके ज़्यादा दूर तो मैं जा नहीं सकता था, लेकिन यार यहाँ पे अभी मैं ओपनर पर चाहता हूँ क्योंकि अपने आगे पीछे दोनों साइड कंपाउंड्स पे बंदे थे। लेकिन अभी यहाँ पे अपने ऊपर वाली साइड पे भी एक और बंदा गाड़ी लेके रुक जाता है। अब ये वाले बंदे पे यहाँ पे मैं काफ़ी नेट वेट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यार बंदा फिनिश होता नहीं है। और अभी यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो ये थी कि इसके बाद वाला जोन जो था अपने शिफ्ट हो चुका था, लेकिन तभी लकीली ये जो गाड़ी वाला बंदा था अभी गाड़ी लेके जोन की साइड को निकल जाता है। लेकिन अभी यार यहाँ पे अपने को भी जोन में निकलना, तो उसके लिए अपने को गाड़ी तो चाहिए थी। अब मैंने सोचा कि यार ये वाले बंदे से फाइट लेने का ट्राई करते हैं, ओपन में अपने को जाना ही पड़ेगा, जो होगा देखी जाएगी, क्योंकि यार बिना गाड़ी के तो ऐसे भी जोन के अंदर जाना उतना इजी होगा नहीं, तो उससे बेटर है मैं यहाँ पे फाइट लेने का ट्राई कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पहले मैं सोच रहा था बिना फाइट लिए चुपचाप से इस बंदे की बग्गी उठा के मैं जोन की साइड को निकल जाता, लेकिन तभी ये बंदा नीचे घुस जाता है।
तो यार ये वाले बंदे को तो जैसे जैसे फिनिश कर दिया। फिलहाल यहाँ पे जल्दी से मैं हील लगाता हूँ, ये वाले बंदे ही ग्रेट से थोड़ी बहुत लूट करते हैं, क्योंकि अभी अपने को जोन के अंदर भी जाना है। अब ये वाले बंदे को तो मैंने यहाँ पे गाड़ी से उड़ा दिया, लेकिन फिलहाल जिसके बाद वाला जोन था यहाँ पे कंपाउंड्स वाली साइड को ही शिफ्ट हो जाता है। तो अभी अपने राइट साइड से एक मेरे को BRDM का साउंड आता है, ये बंदा अपने ऊपर वाली साइड को जा रहा था। मेरे को लगा ये वाला बंदा अपने ऊपर रुक के अपने को दिक्कत दे सकता है, तो यार यहाँ पे इस बंदे के आसपास मैं भी अपनी बग्घी घुमाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि यार ये वाली जगह पर अगर आपने सही से देखा हो तो यार इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कहीं पे भी कोई बंदा लेट हुआ हो सकता था। लेकिन फिलहाल के लिए ये वाला जोन भी अभी क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, अब अपने को जोन के अंदर तो निकलना ही है। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट कंपाउंड में जाता तब तो यार कोई ना कोई बंदा अपने को दिक्कत देने वाला था, तो मैंने सोचा जहाँ पे BRDM वाला बंदा जा रहा है इसके पीछे पीछे जाता हूँ, थोड़ा बहुत अपने को BRDM का कवर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद वाला जोन वापस से शिफ्ट होता है, तभी राइट साइड में ऊपर मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, तो मैं सोचता हूँ इस बंदे को भी बग्गी से उड़ा के आता हूँ। लेकिन यार ये वाले बंदे को भी सामने वाली साइड से कोई और बंदा ही M4 से फिनिश कर देता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं कंपाउंड वाली साइड पे नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पे पहले से हर एक कंपाउंड में बंदा बैठ रखा होगा, तो यार वहाँ पे अपने को ज़्यादा बंदे शॉट्स लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब यार यहाँ पे जो चीज़ मैं चाह रहा था वही चीज़ होती है, बंदा BRDM से बाहर निकल के फाइट लेने के लिए आता और इजी यहाँ पे फिनिश में हो गया। पहले जल्दी से एक मैं मेडकिट लगा लेता हूँ, क्योंकि अभी अपने को यहाँ पे जोन के अंदर में निकलना है, जोन भी स्टार्ट हो चुका था। तो अभी भी यहाँ पे अपने को छोड़ के टोटल 3 बंदे वाला है, जिसमें से एक बंदा तो अपने साथ वाले कंपाउंड में था। फिलहाल के लिए अच्छी बात ये थी कि यार लास्ट वाला जोन यहाँ पे अपने ऊपर ही बन गया था। अब यहाँ पे जैसे मेरे को इस बंदे का नेट पिन करने का साउंड आता है, मैं डायरेक्ट रश करके बंदे को फिनिश कर देता हूँ। तो अभी भी यहाँ पे अपने को छोड़ के 2 बंदे और लाइव थे, तो एक बंदे का तो साउंड मेरे को सामने वाले कंपाउंड से आ ही रहा था। फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत लूट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था लास्ट में यहाँ पे हील बैटल हो सकती है, और यहाँ पे ये दोनों बंदे की रेट से अपने को लकीली अच्छी खासी फर्स्ट एड भी मिल चुकी थी। अब यहाँ पे एक बंदे का साउंड मेरे को लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड से आ ही रहा था, तभी एक बंदा अपने ऊपर नेट करता और लकीली यार यहाँ पे अपनी पेटी बनते बनते बच जाती है। अब यार यहाँ पे सबसे पहले मैं जल्दी से हील करता हूँ, जो लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड में बंदा था इस बंदे पे नेड करना ये वाले कंपाउंड से थोड़ा हार्ड था, तो मेरे को लगा दूसरा बंदा में भी राइट साइड वाले कंपाउंड में हो सकता है, तो यहाँ पे एक मैं रैंडम नेड करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन ये वाले नेट से तो कुछ होता नहीं है। फिलहाल यहाँ पे मैं सोचा था बाहर वाली साइड पे थोड़ा स्मोक वगैरह करके जो लेफ्ट साइड में कंपाउंड है वहीं पे नेड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो दूसरा वाला बंदा था उसकी लोकेशन का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया था नहीं, वो बंदा कहीं पे भी लेटा हुआ हो सकता था। लेकिन यार उतने में यहाँ पे लास्ट वाला जोन भी अभी क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं सोचा यहाँ पे फालतू में रिस्क नहीं लेता हूँ, हील बैटल ही कर लेता हूँ, क्योंकि यार अच्छी खासी अपने पास फर्स्ट एड तो है ही।
तो यार यहाँ पे ज़्यादा देर तक हील बैटल चलती नहीं है, दोनों ही बंदे काफ़ी अर्ली यहाँ पे जोन से फिनिश हो जाते हैं। और यार यहाँ पे एकदम इजी चिकन अपने को मिल गया। बाकी यार ये वाले गेम में अपने को अच्छा खासा 35 का प्लस मिल गया था। बाकी अभी फिलहाल एस तो अपनी हो चुकी है, तो कल का मेरा 200 पॉइंट का टारगेट रहने वाला है। आप में से भी जो लोग एस पे अभी डेली का 100 पॉइंट का आपका टारगेट रखो, ईजी आपका कॉन्कर लग जाएगा। तो गेम प्लेज अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लगे तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, अगर आपको ऐसे इंटेंस कॉन्कर लॉबी के गेम प्लेज देखना पसंद हो। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।